उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव बेहद अहम इस वजह से है क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव होना है। ऐसे में इसे लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। सभी पार्टियां जोर शोर से लगी हुई हैं और शहरी लोग क्या सोचते हैं सरकार को लेकर, पार्टियों को लेकर, इसका एक टेस्ट भी इसी निकाय चुनाव से हो जाएगा। तो इसी वजह से सभी तैयारियां अब पूरी कर ली गई है। प्रथम चरण चुनाव के लिए कल वोटिंग होगी। विशाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, सबसे पहले तो अब कल आखिरकार पहले चरण के लिए वोटिंग शुरू हो जाएगी, पोलिंग पार्टियां भी आज रवाना हो रही हैं। फिलहाल क्या ताजा अपडेट है और किस तरीके की तैयारियां देख रहे हैं? देखिए, चूंकि कल सुबह से ही मतदान होना है, सुबह 7 बजे से ये पूरी मतदान की प्रक्रिया जो है ये शुरू हो जाएगी और शाम 6 बजे तक ये पूरी प्रक्रिया चलेगी। इस दौरान आज जो है तमाम जगहों से पोलिंग पार्टियां जो है रवाना हो जाएंगी। हालांकि जो दूर के इलाके हैं वहाँ पर पोलिंग पार्टियाँ जो है कल शाम से ही रवाना होना शुरू हो गई हैं। लेकिन आपको बता दें कि खासतौर से जो इंतज़ाम है वो बहुत ज़्यादा चाक चौबंद किए गए हैं सुरक्षा के लिहाज से, और तमाम जगहों पर जो केंद्रीय बल है, अर्धसैनिक बल हैं, उनको तैनात किया गया है। PSC को तैनात किया गया है, प्लाटून जो कंपनी है उसको जो है डिप्लॉयड कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ बकायदा जो प्रेक्षक हैं वो बना दिए गए हैं, जो ऑब्जर्वर होंगे वो लगातार जो है मॉनिटरिंग करेंगे, और 37 जिलों में ये पूरा मतदान जो है वो कल होना है। चूंकि 4 तारीख को और 11 तारीख को दो चरणों में ये पूरे निकाय चुनाव हो रहे हैं, 13 तारीख को रिजल्ट आना है, तो ऐसे में कल पहले चरण का मतदान जो है वो उत्तर प्रदेश के 37 जिलों में होगा, 9 मंडलों के 37 जिलों में, जिनमें लखनऊ है, वाराणसी है, गोरखपुर है, प्रयागराज है, उन्नाव है, पुरी है, रामपुर है, सहारनपुर है, ये तमाम ऐसे जिले हैं जो शामिल हैं। तो ऐसे में 37 जिलों में अगर हम बात करें तो 10 नगर निगमों में ये पूरा चुनाव होना है, और इस दौरान अगर हम बात करें तो सीधे तौर पर अलग अलग जो प्रभारी बनाए गए थे उन प्रभारियों में दोनों जो डिप्टी CM थे उनके क्षेत्रों के भी चुनाव जो हैं वो कल ही होने हैं। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से पूरा माहौल बनाने की कोशिश की गई है राजनीतिक दलों की तरफ से, तो 2024 से पहले का ये पूरा एक लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। 2024 से पहले ये सेमीफाइनल है और शहर की सरकार को लेकर पूरा दमखम लगा लिया गया है। केवल अब ये कह सकते हैं कि 24 घंटे से कम का समय बचा है जब मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी, और कल सुबह 7 बजे से, चूंकि अभी 8 बजे का समय हो चुका है, तो ऐसे में कल सुबह 7 बजे से पूरा मतदान शुरू हो जाएगा और शाम 6 बजे तक ये पूरा मतदान चलेगा। उम्मीद लगाई जा रही है कि आप बता रहे हैं तैयारियां की हैं, तो बिल्कुल विशाल ये काफी अहम हो जाता है जिस तरह आप भी बता रहे हैं। सेमीफाइनल देखा जा रहा है, अगर BJP की बात करें तो BJP इससे ये समझ पाएगी कि लोगों की बीच कहां तक पहुंच पाई है सरकार और 2024 का क्या रुख रहने वाला है BJP को लेकर। बाकी पार्टियां भी कहां तक पहुंची हैं, क्या वो जनता के बीच अपनी पैठ बना पाई है या नहीं, क्योंकि अगर चुनाव प्रचार की बात करें तो इसमें सभी पार्टियां BJP से काफी पीछे नजर आई हैं। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर BJP की अगर हम बात करें तो केवल मुख्यमंत्री की अगर जनसभाओं को ले लें तो 28 जनसभाएं मुख्यमंत्री की रही हैं, और आप देखिए 10 नगर निगमों में अगर 28 जनसभाएं मुख्यमंत्री करते हैं तो जाहिर सी बात है कि यह आंकड़ा अपने आप में बड़ा। इसके साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष अलग कर रहे थे जनसभाएँ, केंद्रीय मंत्री, UP सरकार के मंत्री, संगठन के पदाधिकारी, वो अलग अलग जनसभाएँ कर रहे थे, जनसंपर्क अभियान किया जा रहा था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप इसके उलट देखिए तो अखिलेश यादव को छोड़कर बाकी कोई भी बड़ा नेता जो है, चाहे वो बसपा का हो चाहे वो कांग्रेस का हो, वो जमीन पर उतरता हुआ नहीं दिखाई पड़ा। अखिलेश यादव जरूर जो है 4 जगहों पर केवल उन्होंने कार्यक्रम किए, लेकिन ये कह सकते हैं कि बिल्कुल चुनाव से ठीक जो, अब चूंकि कल चुनाव होने हैं तो ऐसे में ठीक 2 दिन पहले वो उनका जो है जागना चुनाव प्रचार के लिए, उसके बाद चुनाव प्रचार करना कई तरह के सवाल खड़े करता है, खासतौर से तब जब आप मुख्य विपक्षी दल के तौर पर जो है उत्तर प्रदेश में हैं। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो चुनाव के लिए जब नतीजे आएंगे तब इन सब चीज़ों पर असर डालेंगी। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि BJP ने जहाँ एक तरफ पूरी ताकत झोंक दी तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दलों की तरफ से बहुत ज्यादा कोई बड़ा स्टार प्रचारक जो है। बिल्कुल, अब ये नतीजे बताएंगे। बने रहिए विशाल हमारे साथ। विनय हमारे साथ जुड़ चुके हैं गोरखपुर से। विनय का रुख करते हैं। विनय, वहां पर क्या कुछ तैयारियां देख रहे हैं? जी बता दें कि अभी कुछ ही देर में यहाँ जो पोलिंग पार्टियाँ और रवाना की जा रही है, और हमारे साथ जिला निर्वाचन उप अधिकारी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, अभी कितने कार्मिक लगाए गए हैं मतदान के लिए और कितने जगह अभी रवाना हो रही है पार्टियाँ? नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह, DIPTY DO गोरखपुर हूँ, उप जिला निर्वाचन अधिकारी हूँ। हम लोग इस समय विश्वविद्यालय में वाणिज्य भवन के प्रांगण में हैं। हमारे जनपद में एक नगर निगम है जिसमें 827 बूथ हैं, तो 827 पोलिंग पार्टियाँ लगाई गई हैं। इस समय पोलिंग पार्टियां यहां आ रही हैं और अपनी सामग्री लेकर के रवाना हो रही हैं।
अच्छा, जो अति संवेदनशील है उनके उन स्थानों पर किस तरह से निगरानी रखी जाएगी और किस तरह से जो है पुलिस की मौजूदगी होगी? हमारे जनपद में 1 नगर निगम और 11 नगर पंचायतें हैं, इनमें अति संवेदनशील और अति संवेदनशील प्लस करके बूथों का, मतदान केंद्रों का कैटेगराइजेशन किया गया है और जो भी हमारे अति संवेदनशील प्लस और अति संवेदनशील बूथ हैं वहाँ पर वीडियोग्राफी और CCTV की निगरानी कराई जा रही है और वहाँ पर अतिरिक्त फोर्स भी तैनात किया गया है। कितने RO और AR की तैनाती की गई है जब मतदान सकुशल संपन्न कराने के लिए? हमारे जनपद में 1 नगर निगम में मेयर पद के लिए 1 RO और 5 AR हैं और सभासद गणों के लिए कुल 13 RO और 27 AR हैं। इसी प्रकार नगर पंचायतों में कुल हमारे 22 RO और 44 AR कार्य कर रहे हैं। तो ये जिला उप निर्वाचन अधिकारी हैं जिन्होंने बताया कि किस तरह से अधिकारियों की तैनाती की गई है और ये पार्टियां रवाना हो रही हैं। जी जी, बने रहिए बिना हमारे साथ, ज्ञानेन से भी जुड़ेंगे। लेकिन आप एक बार, ज्ञानेन मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी। ज्ञानेन वहां पर कैसी तैयारियां देख रहे हैं, किसकी फाइट ज्यादा नजर आ रही है पार्टियों में? जी बिल्कुल, अगर आप पार्टियों की बात करें तो जो सभी प्रमुख पार्टियां हैं उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी है यहाँ पर कराने के लिए। जैसे प्रमुख पार्टियों में भाजपा, सपा और कांग्रेस तथा बसपा, इन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है अपनी तैयारी कराने में तथा चुनाव लड़ने में। अब पहले जो यहाँ तक चर्चा थी कि चुनाव में सीधी टक्कर नजर आ रही थी, लेकिन इसके बाद बसपा और सपा ने भी पूरी ताकत से नगर निगम का चुनाव लड़ा है। मैं बता दूं यहाँ पर कुछ 19 नगर निकाय है जिनमें से 3 नगर पालिकाएं तथा 16 नगर पंचायतें हैं। कल यहाँ पर मतदान होगा और अगर बात करूँ की प्रशासन की तैयारियों को लेकर तो आज यहाँ पर पोलिंग पार्टियां रवाना की जाएंगी। जो 19 नगर निकाय है वहाँ पर चुनाव कराने के लिए आज यहाँ पर पोलिंग पार्टियां रवाना की जाएंगी। मैं सुरक्षा की बात करूँ तो ये जो पूरा उन्नाव का नगरी क्षेत्र है इसे मैं आगे आपको बताना चाहूंगा कि 23 जोन और 51 सेक्टर उत्तर में विभाजित किया गया है। जो चुनाव है वो 2360 मतदान कार्मिक का है जो ये चुनाव संपन्न कराएंगे। इसके अलावा जो 344 छोटे से बड़े जो वाहन है इनके माध्यम से पोलिंग पार्टियां या पोलिंग स्थानों के तौर पर इधर में सुरक्षा कर्मियों की बात करें तो ये पूरे चुनाव में 54 इंस्पेक्टर 588 दरोगा तथा 2400 मुख्य आरक्षी और महिला करते बिल्कुल सभी पार्टियों ने यहाँ पर ताकत झोंकी है और तैयारियां भी की गई हैं। अंकित मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुजफ्फरनगर से। अंकित, वहां पर कैसी तैयारियां देख रहे हैं क्योंकि काफी संवेदनशील एरिया है और ऐसे में सुरक्षा को लेकर और बाकी तैयारियों को लेकर क्या अपडेट? तो लगता है अंकित तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। अंकित मेरी आवाज आप तक आ रही है? तो लौटेंगे अंकित के पास। विशाल हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल, सबसे अहम ये है कि कल पहले चरण का मतदान है और ऐसे में जिस तरीके से ज्ञानेन भी बता रहे हैं, अगर चुनाव प्रचार बहुत ज्यादा ना भी दिख रहा हो पार्टी की का, लेकिन फिर भी पूरी ताकत झोंक रखी है और ऐसे में कहा जा रहा है कि कोई भी ये चूक नहीं करना चाहता है नगर निकाय चुनाव में, सभी जीत का दावा कर रही है सारी पार्टियां। देखिए बिल्कुल, चूंकि निकाय चुनाव को लेकर जो है दावे जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी जो है वो इस बात को लेकर बड़ा संजीदा है कि इन चुनावों में बेहतर तरीके से प्रदर्शन करें। खासतौर से जो लोग बगावत कर रहे हैं उनके लिए भी बीजेपी ने एक बड़ी प्लानिंग की है। लगातार आप देखिए बगावत करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ साथ सांसद, विधायकों और मंत्रियों को जिम्मेदारी दी जा रही है कि जो लोग बगावत कर रहे हैं उनको शांत कराया जाए, उनकी जिम्मेदारी है। तो एक तरफ तो जो है बीजेपी लगातार जो है सपोर्ट कार्यक्रम चला रही है, चूंकि इसके लिए बकायदा बीजेपी ने बूथ लेवल पर जो है अपना तमाम लोगों को जो है जिम्मेदारी दे दी है कि सपोर्ट कार्यक्रम के तहत जो लोग बीजेपी के सपोर्टर हैं उनको घरों से निकालकर मतदाता के तौर पर उनको जो है मतदान केंद्र तक ले जाने की जिम्मेदारी जो है वो बूथ कार्यकर्ताओं की रहेगी, पन्ना प्रमुखों की रहेगी। तो ये तमाम अलग अलग जिम्मेदारियां तय कर दी है और जिम्मेदारियां भी तय की गई है कि वोटर्स जो है वो घर से निकले और वोट जरूर डाले। बने रहिए विशाल हमारे साथ। अंकित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी। अंकित वहां कैसी तैयारियां देख रहे हैं क्योंकि मुजफ्फरनगर काफी संवेदनशील एरिया है और ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से बाकी सब चीजों को देखा जाए तो कैसी तैयारियां? जी बिल्कुल, अगर मुजफ्फरनगर जनपद की बात करें तो मुजफ्फरनगर जनपद में 8 नगर पंचायत, तो वो 2 नगर पालिका में चुनाव होना है। अगर सुरक्षा की बात करें तो मुजफ्फरनगर